हेलो गाइस, आज आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है। आज मैंने लिया है साउथ प्लेटर, जो कि साउथ इंडिया की जो डेलिकेसीज होती हैं, ये है इडली सांभर, और ये है मूंगफली और टमाटर प्याज डाल के चटनी बनती है वो, और ये है अप्पम। मैंने इन सब की रेसिपी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में डाल दी है। आप अगर टेस्टी लगे आपको और बनाने का मन करे तो देख के ट्राई कीजिएगा। और मैंने एक्स्ट्रा इडलीज भी रखे हैं यहाँ पे, मुझे चाहिए होगा तो मैं वो ले लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। इतना अच्छा सॉफ्ट है, कितना यम्मी दिख रहा है। चटनी के साथ खाती हूँ। बहुत टेस्टी है, स्पाइसी भी है। चटनी तो बहुत टेस्टी थी। अब मैं अप्पम खाती हूँ। इसमें जो है हमने टमाटर, प्याज, मिर्ची, धनिया सब हमने ऊपर से डाल के बनाया है। ये प्लेन भी बनता है और ऐसे भी। बहुत टेस्टी है। अब मैं सांभर खा कर देखती हूँ। सांभर में सारे सब्जी डालते हैं, आपको पता ही होगा। उसमें भिंडी मुझे बहुत टेस्ट लगता है। अच्छा, खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे चैनल में पहले भी वीडियोस में बंगाली फूड भी था और नॉर्थ के छोले भी थे, तो साउथ के भी हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे चैनल में हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की डिशेस दिखाते हैं। तो आप और रेसिपीज के देखिएगा हमारा चैनल। ये इडली तो बहुत अच्छे, एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी हुआ था।
आप इसका क्रस्ट देखिए कितना टेस्टी है ना। फ्रेंड्स मैंने एक इंस्ट्रक्शन वीडियो भी बनाया है जो आपके सेफ्टी मेजर्स होते हैं कोरोना में घर के लिए, घर के अंदर रह के आपको कुछ पता होंगे कुछ नहीं पता होंगे, तो मैं चाहती हूँ आप ज़रूर ट्राई करिए, शायद आपको भी कुछ नया सीखने को मिले और अपने आपको सेफ रखने के लिए और अच्छा एक स्टेप ले सके। तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डाली है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। लास्ट इडली तो गाइस आपको अगर ये आज का जो मेरा प्लेटर था बहुत टेस्टी लगा हो तो ज़रूर इसका आप घर में बना के ट्राई कीजिएगा। और खाना बहुत टेस्टी था, जितना आपको दिख रहा होगा उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। सांभर चटनी और वो जो अप्पम था वो बहुत टेस्टी था। इडली में तो कोई वैसे नॉर्मल टेस्ट नहीं होता, पर सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल मुगबा फूड सुनामी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।